नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। रुक करते हैं कोटपुतली की ओर। सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश शर्मा द्वारा स्थानीय आरटीएम होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आगामी 1 मार्च को 2 दिवसीय अखिल भारतीय ब्राह्मण विराट सम्मेलन का आयोजन जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाना है। साथ ही इस विराट सम्मेलन में 24 राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन का विषय होगा भारत को विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त होने में ब्राह्मण समाज का योगदान। सत्रों में अलग अलग विचार प्रस्ताव हम लोग ले चुका है। बैंगलोर में अधिवेशन हो चुका है, हरिद्वार में हो चुका है, जयपुर में 4 अधिवेशन हो चुके हैं। इसके अलावा हमारा एक हरियाणा के अंदर हिसार जिले में बड़ा कार्यक्रम हो चुका है। अब ये 10वां अधिवेशन हमारा जयपुर में आयोजित भारतीय ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन आगामी 1 और 2 मार्च को जयपुर के बिरला सभागार में आयोजित हो रहा है। आज कोटपुतली में समाज के मेरे हमारे पदाधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिए आया हूँ और अखिल भारतीय स्तर पर पहली बार 24 राज्यों के प्रतिनिधि हमारे बीच में आ रहे हैं। ये सब लोग समाज हित में अलग अलग प्रकार से कार्य हो सकता है, इसमें अलग अलग सत्रों में चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये भी तय करेंगे कि आज हमारे देश को विश्व गुरु की जिस प्रकार की उपाधि मिली हुई है उसमें ब्राह्मण समाज का योगदान किस प्रकार से रहा है और आगे कैसे योगदान होना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये भी कहा जाता है कि ब्राह्मण कभी किसी के विरोध की बात नहीं करता है, लेकिन आज जिस प्रकार का माहौल बन रहा है वो कुछ लोग ब्राह्मणों के विषय में अनगढ़ प्रलाप करते हैं, उसका भी हम विरोध करते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि उदित राज जी लगातार ब्राह्मणों के विषय में उत्पटांग बातें बोल रहे हैं, तो हम साफ कहना चाहते हैं कि हम किसी समाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन ब्राह्मण समाज के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं वो गलत है। ब्राह्मण सबके हित की बात करता है, सबको साथ लेके चलता है, उसके विषय में अगर इस प्रकार की बात